Hi, today is 26th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper. Before that, ye 25th of June ke quiz ke answers hain. First, body against bacteria, jo defense hota hai, that is done by this phagocytes. Second question, deoxygenated blood, that is by this pulmonary artery. थर्ड क्वेश्चन था इनमें से कौन सी डिसीजेस कॉज ड्यू टू अ वायरस होती है तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ए बी एंड सी देन फोर्थ वन वॉज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस सो दिस इज करेक्ट वायरस डू नॉट कंटेन अ राइबोसोम एंड वायरस कैन बी कैटेगराइज बाय देयर शेप्स तो ए एंड सी इज द राइट आंसर वायरस मीनवाइल डेड भी हैं अलाइव भी हैं दे शो सम प्रॉपर्टी जो उनको डेड कैटेगरी में रखती है दे ऑल्सो शो सम प्रॉपर्टी जो उनको अलाइव कैटेगरी में रखती है वॉट मेक्स अ रेप्टाइल एंड रेप्टाइल सी आई लुक्ड इन टू दिस राइट आंसर जो दिया है दैट इज डी एग लेइंग बट कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एग लेइंग नहीं होता वो लाइव बर्थ भी देते हैं कोल्ड ब्लडेड इसमें ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है तो रेप्टाइल अ रेप्टाइल द राइट आंसर कुड बी दिस कोल्ड ब्लडेड Then this is 26th of June 2020. Let us have a quick brief of all these news items. First is about this Chinese build-up. Chinese build-up में हम यहाँ देखेंगे marching forward LSE में China ने recently क्या PLA ने development किया है. Second is about CBSE, ICSE cancel pending exams because of this COVID-19 ये अभी decision आया है. COVID-19 की updates देखेंगे containment zones. Then this RT-PCR method. This रैपिड एंटीजन टेस्ट और ये एक नया ऐप अभी लॉन्च हुआ है ई ब्लड सर्विसेज देन फोर्थ इज अबाउट दिस रोजगार का नया अभियान दिस इज गरीब कल्याण रोजगार अभियान फिफ्थ में हम बात करेंगे फ्लड्स कैसे होते हैं फ्लड्स में NDMA ने ये क्या गाइडलाइंस इशू किया है विल ऑल्सो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट सिक्स्थ इज अबाउट दिस कस्टोडियल डेथ सेवेंथ है शट एंड ओपन इसमें हम टेनिस और डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे एट्थ इज अबाउट द मायोपिया ऑफ 2020 हाइंडसाइट हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखती है 20x20 विजन होता है बट हमें इसमें वी शुड बी वेरी केयरफुल दिस इज नॉट द राइट वे इसमें हम एक केस स्टडी भी आज एथिक्स का सॉल्व करेंगे देन नाइन्थ इज अबाउट वाई चाइना इज बीइंग अग्रेसिव अलोंग द LSE दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं चाइना के गेम प्लान के देन टेंथ इज अबाउट कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम ऑनलाइन जो लर्निंग होती है क्या ये स्कूल का ऑल्टरनेटिव है रेगुलर स्कूल्स का नो देन इलेवेंथ इज अबाउट ड्रग अब्यूज अमिड्स पैंडेमिक ये ड्रग अब्यूज 26th ऑफ जून 2020 इंटरनेशनल डे हम मनाते हैं देन ट्वेल्थ इज अबाउट नेपाल 13th में हम पंचायत देखेंगे 73rd अमेंडमेंट इसको अभी फंड्स मिले हैं और क्या इसके पास तरीके होते हैं पंचायत के बाद कि वो फंड ले सकें FATF का ये न्यूज़ है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का 15th में वी विल टॉक अबाउट ओजोन पॉल्यूशन वर्ल्ड न्यूज़ विल सी बिजनेस में विल टॉक अबाउट दिस शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है इस बार इंडिया में देन फाइनली हम इंडियन ज्योग्राफी का क्विज भी सॉल्व करेंगे विल ट्राई टू सॉल्व दीज सिक्स क्वेश्चंस सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशंस नाउ फर्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज अबाउट दिस वोकैबुलरी फर्स्ट वर्ड है हर्डल हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स हैं बैरियर्स हैं वहाँ पे देन ग्रिम सिनेरियो का मतलब है द सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग गुड अनप्लीजेंट है वरिंग चीज़ है दैट इज़ ग्रिम सिनेरियो टॉप ब्रास मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के पीपल होते हैं डिसीजन मेकिंग है लीडरशिप में है हाई पोजिशन में है दोज पीपल आर कॉल्ड टॉप ब्रास एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रुएलिटी सेवेजरी देन ह्यूमोंगस का मतलब है दैट इज़ ह्यूज इन साइज इनॉर्मस है वो देन सिक्स्थ इज अबाउट दिस मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस अक्सर हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं शॉर्ट साइटेडनेस होती है डिसीजन मेकिंग में भी वो पैनी वाइज लिखती है बट पाउंड फुलिश होता है थोड़ा फ़ायदा होता है बट उस चक्कर में बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं सो दैट इज़ दिस मायोपिक विजन देन इनडेफेटिगेबल इसका मतलब है नेवर गिविंग अप कभी गिव अप नहीं करना है दैट इज़ इनडेफेटिगेबल ओके देन परफिडी का मतलब होता है ट्रीचरी है और डिसीट है रीइट्रेट का मतलब है टू रिपीट जैसे नेपाल के साथ हमने रीइट्रेट किया है कि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं टू रिपीट एन ओपिनियन रिसर्जेंस का मतलब होता है टू रिटर्न
ग्रोथ ऑफ समथिंग, रिसर्जेंस, रिसर्जेंस ऑफ से कोविड 19 वायरस, बैक्टीरिया वायरस भी है, दैट इज रिसर्जेंस। सो ये कुछ एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे हम पेपर में देखने वाले हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन नाउ। फर्स्ट इज अबाउट दिस चाइनीज बिल्डअप। चाइनीज बिल्डअप कंडक्ट ऑफ जो चाइनीज फोर्सेज है LSC में है, ये ट्रीचरस ज़्यादा लग रहा है, अगेंस्ट ऑल म्यूचुअली अग्रीड नॉर्म्स हैं ये। अमासिंग ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स फॉर नियरली 2 मंथ, अभी जो क्लैश हुआ गलवान में, इससे पहले 2 महीने से चाइनीज़ यहाँ पे अपना ट्रूप अमास कर रहे थे, और ये इस टाइप से इंडियन पेट्रोलिंग भी वहाँ पे होती है, फुट हिल ऑफ माउंटेन रेंज नियर ले। तो द आइडिया, द इंटेंशन ऑफ दिस चाइनीज PLA, ये यहाँ पे इस पर सवाल उठ रहे हैं। मीनवाइल 1993 का जो अग्रीमेंट था, इसमें हमने बात किया था मिनिमम लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं होगा फोर्स का, लॉजिस्टिक्स का, बट चाइना इस बात को मान नहीं रहा है। वो उसने ऑफर किया है कि दे आर रेडी टू टॉक, दे आर रेडी टू टॉक, मीट हाफ वे सेज चाइना, बट अगेन चाइना के जो इंटेंशंस हैं ये डाउटफुल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हम फॉलो कर रहे हैं इसके स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, और अब MEA ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि मार्क्स अ परसेप्टेबल शिफ्ट इन इंडियाज पोजिशन, इंडिया का पोजिशन भी अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग डूइंग बाय दिस चाइनीज PLA ऑन द ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ। तो अगेन ये हमें आगे हम फॉलो करेंगे, बट जो अभी मीनवाइल देखने वाली बात है वो ये है कि MEA का स्टेटमेंट भी अब परसेप्टेबल शिफ्ट हो रहा है, ये अब ज़्यादा वोकल हो रहा है। MEA यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये PLA यहाँ पे काफ़ी रॉन्ग डूइंग कर रहा है। विल हैव अ लुक अगेन। दिस इज़ अबाउट CBSE, ICSE कैंसल पेंडिंग एग्जाम। ये जो एग्ज़ाम्स थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ और उसके बाद ये एग्ज़ाम्स पेंडिंग हो गए, तो इन पेंडिंग एग्ज़ाम्स को अभी कैंसिल ही कर दिया गया है बिकॉज सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पेंडेमिक के टाइम पे ये सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स पैरामाउंट है, इसको प्रायोरिटी देना है। दे आर प्रिपेयरिंग एन असेसमेंट स्कीम जिसमें इंटरनल्स स्टूडेंट्स के, उनके प्रैक्टिकल्स, उनके एवरेज स्कोर, इन तीनों से ऐसे इंटरनल असेसमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को क्लास में पास कर दिया जाएगा। मीनवाइल जो नीट के एग्जाम्स होते हैं, JEE के एग्जाम्स होते हैं, इस पर अभी डिसीजंस लेना बाकी है। सो दिस इज़ एग्जाम्स कैंसिल बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। COVID-19 की और अपडेट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज़ रिकवरी रेट अभी इम्प्रूव हो रही है। रिकवरी रेट मतलब पेशेंट्स हो गए थे, इन्फेक्शन हो गया था, बट नाउ दे आर गेटिंग रिकवर्ड, बेटर हो रहा है। दिल्ली में अभी होम आइसोलेशन का एक गाइडलाइंस इशू थी, मैंडेटरी असेसमेंट था, बट अब उस गाइडलाइन को रिवाइज किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा है। नाउ डिफरेंट कंटेनमेंट जोन्स को क्लब्ड इनटू बिगर क्लस्टर्स, बिगर क्लस्टर्स में कंटेनमेंट जोन्स को मर्ज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज बेटर मैनेजमेंट पॉसिबल हो सके। ICMR इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड ट्वीट्स, हैव अ लुक इन ट्विटर, काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स सेंड शेयर हो रहे हैं वहाँ पे। इन्वाइट किया है टेस्ट किट मेकर्स को, इट वॉन्ट्स रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट वैलिडेटेड, बिकॉज जो RT-PCR टेस्ट होता है ये ऑल दो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, बट इसमें हमारा शॉर्टकमिंग है और इसमें प्रॉब्लम ये है अवेलेबिलिटी, और ये कॉस्टली भी है, तो हम ऑल्टरनेट देखने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड वैलिडिटी ऑफ RT-PCR के कारण हम ये एंटीजन टेस्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अभी। सी, ये ट्वीट किया है ICMR ने, ये रियल टाइम RT-PCR टेस्ट होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्पेशलाइज लेबोरेटरी चाहिए, बट ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड कॉस्टली भी है। देन ये ट्रूनेट सिस्टम है, देन दिस इज रैपिड पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, इसमें एंटीजन बेस्ड असे से हम वायरस का बॉडी में देखते हैं एंटीबॉडी लेवल क्या है एंड ऑल, और उसके अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट करते हैं कि वो COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं है। बट ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ये इतना सेंसिटिव नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है, तो RT-PCR इज़ देयर, बट इससे, इस टेस्ट से हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट से। गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये लिमिटेशंस है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इसकी कम है, और ये जो एंटीजन टेस्ट हैं ये इजीली अवेलेबल हम करा सकते हैं, सो दैट इज़ वाई हम ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ ये है COVID-19 रिलेटेड टेस्टिंग। मीनवाइल ये एक ऐप लॉन्च हुआ, ई ब्लड सर्विसेज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी,
IRCS ई ब्लड सर्विसेज। ये जो ऐप है इससे ब्लड का 4 यूनिट ऑफ ब्लड कैन बी रिक्विजिशन एट अ टाइम। ब्लड बैंक जो पूरा प्रोसीजर है वो काफ़ी इसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ब्लड बैंक विल वेट फॉर 12 आवर्स फॉर द पर्सन टू कलेक्ट इट, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें क्विकली अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी यूजफुल है। देन द फोर्थ न्यूज़ इज़ अबाउट दिस रोजगार का नया अभियान, हर श्रमिक कामगार को काम। बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 रिवर्स माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने होमलैंड चले गए, विलेजेस में चले गए। अब उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो June 20th को हमने ये देखा था कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ये जो अभियान है बेसिकली ये कल्मिनेशन है, कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और उनके प्रोग्राम को। 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं और ये सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलके बहुत सारा वर्क जनरेट करेगी और उसमें इन एम्प्लॉय जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये 125 डेज़ का टारगेटेड है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में है और इतने डिफरेंट नए काम बनाए जाएंगे और उन काम में इन माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा। ये जो बेसिकली है ये कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस इज़ जस्ट अ कन्वर्जेंस प्रोग्राम। इसका आउटले 50,000 करोड़ प्लस है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बिकॉज COVID-19 के कारण एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स इज़ ऑल्सो देयर। शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स कहाँ पर है? सिटीज़ में, अर्बन सेंटर्स में, बिकॉज सारा लेबर जो वर्कफोर्स है वो अपने रिवर्स माइग्रेशन हो गया है। इस पूरे बैकड्रॉप में दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देन दिस इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये पेज नंबर 3 है। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है। यहाँ फ्लड्स फिर से आ रहे हैं अरुणाचल असम में, यहाँ पे इतना टोल हो गया है। अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, फ्लड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक रिवर का चैनल है, इस रिवर के चैनल में ऐसे पानी फ्लो हो रहा है। जब रिवर का चैनल है और उसमें पानी का ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी इस रिवर के बैंक्स को ब्रेक करके, एम्बैंकमेंट्स ब्रेक करके अपना दिस नॉन चैनल एरिया में इंट्रूड हो जाएगा एंड दैट वुड बी कॉल्ड फ्लड। ये NCERT में अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसे फ्लड्स को डिफाइन करती है। अपर कैचमेंट एरिया में अगर हैवी रेनफॉल है, फ्लडिंग हो गया है, तो अचानक बहुत पानी आ गया है और उसके कारण फ्लडिंग हो जाती है। मोस्ट रिवर्स आर इन स्टेट, बट यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, जिया बरेली एंड पुत्थीमारी, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, डेंजर मार्क से ज़्यादा है। ये फ्लड प्लेन ऐसा होता है, ये नॉर्मल चैनल ऑफ वाटर है, यूजुअली पानी यहाँ पे रहेगा। फिर ये बेस फ्लड एलिवेशन है, ये फ्लड वे कहलाता है, ये फ्लड का फ्रिंज है और ये फ्लड का फ्रिंज है। ये पूरा एरिया हो जाता है फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन जो जोनिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेवलपमेंट करें, हम प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करें। ये जो एरिया है ये नॉर्मल चैनल है, फिर इसके पास पार्क होने चाहिए और जो यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री और ऐसे पावर हाउस है ये डिफरेंट डिस्टेंट पे होने चाहिए, जैसे Zone 1 में है, डिस्टेंस एरिया में होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग। अब फ्लड डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। इसके लिए NDMA की जो ट्विटर हैंडल है ये फॉर पास सम टाइम बहुत अच्छे ट्वीट्स कर रहा है। इसने अभी रिसेंटली ये ट्वीट किया कि बिफोर फ्लड्स हमें क्या क्या करना है, रूमर्स को इग्नोर करें, स्टे काम एंड डोंट पैनिक। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, इग्नोर रूमर्स, स्टे काम एंड डोंट पैनिक। अपने जितने भी कम्युनिकेशन है उनको रेडी रखें और जो भी गवर्नमेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है, उसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट एड किट राइट आपके साथ होना चाहिए, स्नेक बाइट, डायरिया, इन सब के लिए आपके पास एसेंशियल चीज़ें होना चाहिए। वाटरप्रूफ बैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेफगार्ड कर सकें। ड्यूरिंग के फ्लड में डोंट एंटर फ्लड वाटर, हैव अ लुक एट ट्विटर, वहाँ पे बहुत अच्छे कुछ वीडियोज़ भी शेयर किए हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। और हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डिसइंफेक्टेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, फ्लड पानी से बहुत सारी दिस वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती हैं। आफ्टर फ्लड हमें चिल्ड्रन और इनका ध्यान ज़्यादा रखना है। इलेक्ट्रिकल गुड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें अक्सर बिजली के ऐसे करंट आ जाता है और उससे कैजुअल्टी होती है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। देन मॉस्किटो नेट्स, मलेरिया, जो दूसरी डिसीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, बिकॉज पानी का ऐसे भराव हो गया है और इसके कारण बहुत सारी दूसरे
डिसीजेज होंगे, स्नेक बाइट्स होंगे, मॉस्किटोज होंगे, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बी स्मार्ट एंड बी प्रिपेयर्ड, ये इशू किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ज्योग्राफी की हमने क्लास 11th इंडिया फिजिकल कवर कर लिया है, उसका जो लास्ट चैप्टर है वो डेडिकेटेड है दिस हैजार्ड और डिज़ास्टर पे। हैजार्ड कन्वर्ट होते हैं डिज़ास्टर में, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर उसमें दिए हैं, लैंड बेस्ड डिज़ास्टर, एयर बेस्ड, वाटर बेस्ड, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 2020 में इतने डिज़ास्टर्स हैं, कीपिंग दैट इन माइंड। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, हैव अ लुक, उसमें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में एक टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है सारे डिज़ास्टर्स को। हैव अ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है डिफरेंट डिज़ास्टर्स का, इसके मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हमें क्या प्रिपेयर्डनेस फॉलो करनी है। ये जो भी आप गाइडलाइंस लिखते हैं ना, वो गाइडलाइंस, ये जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है, इससे मैच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये जो पॉइंट्स दिए हैं, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, यूज़ ऑल दीज पॉइंट्स इन योर आंसर राइटिंग। तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स हो सकती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है और उनकी प्रिपेयर्डनेस कैसे ज़रूरी है। यूज़ दिस एनसीईआरटी डेटा एंड दिस ट्विटर डेटा एज वेल, एनडीएमए के ये सारे न्यूज आइटम्स। सो दिस इज नंबर 5, ये है पेज नंबर दिस 5। नाउ दिस इज एडिटोरियल सेक्शन, देन यहाँ पे बात है कस्टोडियल डेथ्स का। सी, लॉ एनफोर्समेंट एक चीज़ होता है, बट लॉ एनफोर्समेंट में कई बार पुलिस ऑफिशियल्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हाई हैंडेड अप्रोच फॉलो कर लेते हैं और वो डिज़ास्टरस फॉलो होती है। लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज़ रिवेंजफुल और इट इज़ कॉजिंग हार्म टू सिटीजन्स। फ्लैग द फेलियर्स टू हैव गाइडलाइन, यहाँ पे क्या हुआ COVID-19 का, बिकॉज सम पीपल ने वॉयलेशन किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, तो उनके अगेंस्ट लॉ यहाँ पे एक्शन ले रहा है। बट अगर ये लॉ एनफोर्समेंट हाई हैंडेडनेस हो जाता है तो दिस कुड लीड टू दिस रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम कई बार बोलते हैं पुलिस को सेंसिटाइज करना ज़रूरी होता है। फ्लैग द फेलियर टू हैव गाइडलाइन टू हैंडल लॉकडाउन वॉयलेशन, हमने कई बार देखा लॉकडाउन वॉयलेशन हुआ है तो पुलिस ने लाठी उन पर मार दिया, ऐसे कर दिया, दिस कुड लीड टू अदर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज विच शुड बी अवॉइडेड। पुलिस को भी यहाँ पे सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिग्नल फेलियर दिखाता है। टू ले डाउन नॉर्म, पुलिस इज नॉट अगेंस्ट दिस पब्लिक, पुलिस इज फॉर पब्लिक, ये वी नीड टू इंश्योर। पुलिसमैन ऑन द फील्ड टू हैंडल लॉकडाउन वॉयलेशन विद ह्यूमननेस, कभी भी ये जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन एंगल ऑफ लॉ है, दिस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ये यहाँ पे बात किया है कि ये हाई हैंडेडनेस से कई बार इसके रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नाउ दिस इज शट एंड ओपन, शट एंड ओपन में बात किया है ट्राइंग टू री ओपन स्पोर्ट्स, अभी हैं रिसेंट, अभी एक फियास्को हो गया, नोवाक जोकोविक टेस्टेड पॉजिटिव, फिर टूर्नामेंट फ्लाउटेड द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, बिकॉज स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे हम T20 IPL की देखा था हमने, इवन ओलंपिक्स भी देखा था जो पोस्टपोन हो गया है, दे आर ट्राइंग टू उनको वापस एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहे हैं। बट अगर इफ़ इट इज़ डन इन हरी तो फिर ऐसे फियास्को होते हैं, जैसे यहाँ पे लीड जो प्लेयर्स हैं वो COVID-19 पॉजिटिव हो गए। ये यहाँ पे इन्होंने बात किया बायो सिक्योर बबल में खेलने का, जिसमें सपोर्टर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, केवल डिजिटल कैमरा एंड ऑल लगेंगे एंड दीज प्लेयर्स वुड प्ले देयर गेम, स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग नॉर्म्स होगा, देन रिगरस कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होगा। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्पोर्ट्स का एसेंशियल है, थीम है, उसका जो सोल ऑफ स्पोर्ट है, वो यहाँ पे डिफीट हो जाता है। वियरिंग मास्क, इम्प्लीमेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये इंश्योर कराना ज़रूरी होता है। अब यूजुअली ऐसा यूनानिमस ओपिनियन बन रहा है कि स्पोर्ट्स ऑल दो नेसेसरी है, बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 इसको हम फॉर टाइमिंग पोस्टपोन भी कर देंगे तो देट वुड नॉट बी अ बिग डील। अपकमिंग टेनिस कैलेंडर अभी जेपार्डी में है, एपिसोड इज अ स्टार्क रिमाइंडर, ईजिली थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ कॉशन इज थ्रोन टू द विंड, दीज आर वेरी गुड लाइन, ईजिली थिंग्स कैन गो रॉन्ग, कॉशन इज थ्रोन टू द विंड, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ कॉशन इज थ्रोन टू द विंड। ये पूरे स्पोर्ट्स के जो लाइनअप है, ये पूरे अभी यहाँ पे डिफिकल्टी हो गया है। ये ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम चार बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके नाम बताइए और ऑर्डर में नाम बताइए, सबसे पहले क्या होता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे ऐसे शट एंड ओपन है टेनिस का। नाउ दिस इज़ अबाउट द मायोपिया ऑफ 2020 हाइंडसाइट, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हैं बट सम वेरी गुड न्यूज़ यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं। जज करते हैं हम हिस्ट्री को, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि उसने ऐसा किया होता आज से 20-30 ईयर्स पहले तो चीज़ें अलग होती,
ये हाइंडसाइट में बोलना बहुत आसान होता है, बट रियल टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्या कंडीशंस हैं, क्या वहाँ पे प्रिवेलेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो 2020 में हाइंडसाइट मतलब पीछे मुड़ के देख के जजमेंट पास करना इज़ वेरी इजी। जजिंग हिस्ट्री थ्रू द प्रिज्म ऑफ द प्रेजेंट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और ये फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हमारी ये प्रोपेंसिटी होती है कंटेम्प्ररी की, अक्सर हमारा जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो प्रिज्म के थ्रू होते हैं, और ये जो जजमेंट होता है, जजमेंट अगेन जो चीज़ होती है ये काफ़ी डेलिकेट मैटर होता है। अगर हमें पूरी चीज़ पता नहीं है, वी डोंट नो द फैक्ट्स, वी डोंट नो द बैकग्राउंड, वी डू नॉट नो मैनी मैनी थिंग्स, उस केस में जजमेंट पास करने से अवॉइड करना इट्स बेटर थिंग। सो व्हेन यू डू सम वर्क, आप एक लीडर हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर जो काम करता है वही तो एरर करेगा, अगर जो काम ही नहीं करेगा उससे गलतियाँ भी नहीं होगी। तो व्हेन यू डू सम वर्क, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो एरर्स आर बाउंड टू हैपन, काम करने वाले ही गलती करते हैं। अब ये एरर दो टाइप की होती है, एक होती है बोनाफाइड, एक होती है मैलाफाइड। बोनाफाइड मतलब आपको अनजाने में वो गलती हो गया, आपने एक डिसीजन लिया, आपने सोचा ऐसे आउटकम्स होंगे, बट से COVID-19 हो गया, इकोनॉमी चैलेंज हो गया, आपका डिसीजन बैकफायर हो गया, तो दैट इज़ अ बोनाफाइड मिस्टेक। और मैलाफाइड मिस्टेक होता है जब इंटेंशनली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो एरर में भी इन दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड। नाउ वी हैव टू मेक इंटेलिजेंट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, बिकॉज अगर हम ऐसे क्रिटिकल होते जाते हैं लीडर्स के, उनके डिसीजंस के, तो क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स में आप देखो जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स रिटायरमेंट, ये बहुत डरते हैं डिसीजन लेने में, बिकॉज उनको ये डर लगता है अगर डिसीजन बैकफायर हो गया देन इनका करियर यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो जाएगी इनके लिए। सो दैट इज़ वाई ब्यूरोक्रेसी में हम बोलते हैं रेड टेपिज्म क्यों है इतना ज़्यादा, डिसीजन इतने ज़्यादा डिले क्यों हो जाता है, दिस इज़ वाई डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज उनको हमने इतना फ्रीडम नहीं दिया है। और इफ़ दे आर वर्किंग, एरर तो होगा, बोनाफाइड होगा या मैलाफाइड होगा, इस चीज़ में प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी अब जो इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल पॉलिसी है, ये ब्रॉड नेशनल कंसेंसस के बेसिस में होनी चाहिए। नैरो और जो सिनिकल जाउस्टिंग होती है, रेटोरिक होता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है, दिस इज़ नॉट राइट। इससे क्या होता है, हमारी जो डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है एक्सपर्ट्स का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, डिप्लोमेट्स का, ऑफिशियल्स का, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगेन वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। इसी पे बेसिस अगर अपन एक केस स्टडी देखें तो दिस इज़ द केस स्टडी फॉर यू। सी, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ये हॉलमार्क होता है एक सिविल सर्वेंट का। सिविल सर्वेंट पजेस करता है ये क्वालिटी कंसिडरिंग एज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। वॉट इज दिस, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस। सो इन लाइन ऑफ ड्यूटी समटाइम्स बोनाफाइड मिस्टेक्स हो जाती है। एक आपने डिसीजन लिया डीसी ने और वो डिसीजन गलत हो गया, एज लॉन्ग एज सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इंटेंशनली एंड डू नॉट बेनिफिट पर्सनली, द ऑफिसर कैन नॉट बी सेड टू बी गिल्टी। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, दो सच डिसीजन मे एट टाइम्स लीड टू अनफोर्सीन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग टर्म। रीसेंट पास्ट में ऐसे कुछ केसेस आए थे कि सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने से कोल माइंस एंड ऑल में कुछ डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस करेक्ट नहीं हुए, उससे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए गवर्नमेंट के। नाउ अगर उनके रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे एंड गिल्टी एंड पनिशमेंट देंगे, तो इससे क्या होता है, जिस सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी इनका मोरल डाउन होता है और ये डिसीजन मेकिंग इनका फिर स्टॉप हो जाता है, ये डिसीजन लेते नहीं है। सो दे हैव ऑफन बीन प्रोसिक्यूटेड एंड इवन इम्प्रिजन बोनाफाइड मिस्टेक के लिए। सो दीज इंस्टेंसेज हैव ग्रेटली रैटल द मोरल फाइबर ऑफ द सिविल सर्वेंट, इससे वो डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है उनके लिए। हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये कैसे अफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज, एंड वॉट मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर कि जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं आर नॉट इम्प्लीकेटेड फॉर बोनाफाइड मिस्टेक्स ऑन देयर पार्ट, जस्टिफाई योर आंसर। सो दिस इज द केस स्टडी, मैं इसका स्क्रीन शॉट अभी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा ताकि इन वन गो यू कुड सी ऑल ऑफ दीज। MCQs भी हैं जो क्विज, वो भी मैं इमीजिएटली अभी शेयर कर दूंगा। सो दिस इज द केस स्टडी, ओके। सो ट्राई टू फ्रेम एन आंसर ऑन दिस केस स्टडी में कि ये कैसे अफेक्ट करता है सिविल सर्विसेज को और इसमें क्या चेक्स एंड मेजर्स होने चाहिए कि बोनाफाइड मिस्टेक से हम उस पर्सन को सेफ गार्ड कर सकें, एंड जस्टिफाई ऑल्सो योर आंसर। वेरी वेरी गुड टॉपिक। नाउ
ये न्यूज़ आइटम भी बहुत अच्छा है, व्हाई चाइना इज़ बीइंग अग्रेसिव अलोंग द एलएसी। चाइना ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज क्यों हो गया उसका टोन। ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से समराइज़ करता है चाइना की पोजीशन। सी, चाइना जो अभी तक था वो पीसफुल राइज पे एम्फेसाइज कर रहा था। चाइना ने अडॉप्ट किया था हाइड योर कैपेसिटी एंड बाइड योर टाइम, डेंग जियोपिंग फिलोसफी हमने पढ़ी थी। फिर आ जाते हैं ये शी जिनपिंग। तो ये जो पीसफुल राइज है, पीसफुल डेवलपमेंट है, इससे शी जिनपिंग की पॉलिसी डिफर करती है। शी जिनपिंग की पॉलिसी काफ़ी अग्रेसिव है। बीआरआई आ गया। अभी क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी अभी डॉल्ड्रम पे है, दे आर नॉट डूइंग वेल। वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट अभी सारी बातें हो रही है। नेशनलिस्टिक टेंडेंसी ज़्यादा है, यूएस ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट हो रहा है, यूरोप इज स्ट्रगलिंग। देन इस पूरे बैकड्रॉप में चाइना इज थिंकिंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि दिस इज़ द टाइम टू टेक ओवर दिस वर्ल्ड। अपना पोजिशन, राइट पोजिशन गेन करे वो यहाँ पे, अपना प्रेजेंस इंक्रीज करे। सो दैट इज़ वाई गेम थ्योरिस्ट कॉल सलामी टैक्टिक्स जो थी, जहाँ पे डोमिनेंट पावर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी पीस बाय पीस, इंडिया इज़ वन स्लाइस इन दिस सलामी सिंस स्ट्रैटेजी। इंडिया एंड ऑल, ये पूरा जो है चाइना अपना ग्लोबल हेजेमनी, ग्लोबल प्रेजेंस इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया इज़ जस्ट अ स्लाइस इन दैट स्ट्रैटेजी। क्योंकि केवल इंडिया ही नहीं है, चाइना का आप देखो एलएसी से साथ इंडिया का इशू है, साउथ चाइना सी में इशू है, यूएसए के साथ फ्रिक्शन है, कोविड-19 का थ्रेट है, वियतनाम, जापान के आइलैंड्स अभी नेम चेंज हुए थे, हांगकांग का लॉ देखो। इन पूरी पिक्चर को अगर अपन टोटैलिटी में देखें तो हमें चाइना का गेम प्लान समझ में आता है, व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू। स्ट्रैटेजिक चेंज हो रहा है चाइना की अप्रोच में। वेस्ट मीनवाइल क्या सोच रहा है कि इंडिया को काउंटर करने, हम चाइना का काउंटर वेट बना दें ताकि इंडिया चाइना को चेक कर में रख सके, चेक करे। बट चाइना एक मैसेज सेंड कर रहा है कि चाइना इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया। ये वर्ल्ड को वो मैसेज कर रहा है कि चाइना इज़ नॉट इक्वल टू इंडिया, चाइना इज़ चाइना। दैट मैसेज चाइना वॉन्ट्स टू टेल टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मीनवाइल इकोनॉमी डिक्लाइन है, और वायरस से यूरोप बैटल कर रहा है, यूएसए में अभी इलेक्शन ईयर है तो उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं, इन फाइटिंग भी बहुत हो रही है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्लाउट है नेबर्स के साथ वो अभी स्लिप हो रहा है। इंडिया के रिलेशंस देखो आप, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ ऑल टाइम लो हो गए हैं, नेपाल के साथ फ्रिक्शन है, अफगानिस्तान के साथ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, देन इधर बांग्लादेश के साथ चैलेंजेस हैं, देन श्रीलंका मीनवाइल, मालदीव से थोड़ा बेटर हुआ है हमारा, म्यांमार, देर आर सर्टेन चैलेंजेस। सो इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्लाउट है नेबर्स के साथ वो थोड़ा अभी स्लिप हुआ है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया को क्विकली जंप भी नहीं करना चाहिए कि हम एम्ब्रेस कर लें यूएसए को। दैट वुड नॉट बी अ सॉल्यूशन, कुड बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम हो सकता है। ये यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है। इंडिया को अभी मीनवाइल सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में वर्क करना चाहिए। जो हम ये सेल्फ रिलायंट की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है। हम डीकपल करें फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ डोमेस्टिक। और दूसरी बात है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस अलग चीज़ होती है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हम डीकपल करें हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिक्स एंकर्ड इन नेबरहुड रियलिज्म, और हमारा जो नेबरहुड से यूजुअली हमारे गुडविल चलता आया है उसको हमें मेंटेन करना ज़रूरी है, नेपाल के साथ भी, इवन पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेबर्स, वी नीड टू हैव गुड रिलेशन। हमें मीन वाइल, चाइना इज़ अ बुली, देर इज़ नो डाउट। चाइना की जो ये बुलिंग बॉर्डर में अभी हो रही है, इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमें इसको बहुत फर्मली करना चाहिए। नो डाउट चाइना इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंट्री, बट वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू इट। बी बोल्ड इन वॉट यू स्टैंड फॉर, बी केयरफुल वॉट यू फॉल फॉर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके कोई क्विक फिक्सेज नहीं है, ग्रेजुअली हम इस पर वर्क करते जाएंगे एंड स्लोली वी वुड बी हैविंग दिस सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रॉन्ग। हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेटर पोजिशन पर पहुँच जाएंगे, देर इज़ नो डाउट। बट हमें उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें टू ग्रो एंड बिकम सेल्फ रिलायंट, वी नीड टू डू दैट। बी बोल्ड इन वॉट यू स्टैंड फॉर, बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बोल्ड होने के बिना, बिना बोल्ड हुए, दिस करेज दिखाए बिना काम नहीं होता है। सो बी बोल्ड इन वॉट यू स्टैंड फॉर एंड बी केयरफुल वॉट यू फॉल फॉर। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। नाउ दिस आर्टिकल इज़ अगेन ऑन दिस, कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम। अभी ऐसी बहुत बातें चल रही है कि डिजिटल पूरा रिप्लेस कर देगा ऑफलाइन को। नो, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कल हमने ये बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था, यूनेस्को ने बोला एजुकेशन गैप वाइडन हो रहा है।
ये जो डिजिटल एजुकेशन है इससे क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। इतने बड़े बड़े दिस कमर्शियल सेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एजुकेशन। और इसमें एक्सक्लूसिव है ये भी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। एजुकेशन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी, ये तीन पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्होंने एक्सपर्ट्स ने बात किया है, दीज आर ऑल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। इन्होंने बोला एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन और कंटेंट, ये नहीं कि आपको बता दिया दिस दिस इन दिस 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 इज़ द न्यूज़। कंटेंट इज़ नॉट एजुकेशन, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एजुकेशन, ये न्यूज़पेपर, ये ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस इंटरनेट, बट स्टिल वी नीड अ टीचर, बिकॉज टीचर क्या करता है, गाइड करता है इसको पढ़ना कैसे है, इससे हमें क्या चीज़ हमें हमारे इंपॉर्टेंस की है एंड ओवरऑल लर्निंग हमें कैसे लेना है। सो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन और कंटेंट, नो, मोस्ट ऑफ़ इट टेक्स प्लेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ये ज़रूरी होता है जो स्कूल में होता है। स्कूल में इतने सारे बच्चे जैसे यहाँ पे बैठ के से दे आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटी, इससे होता है पीयर लर्निंग, ओवरऑल ग्रोथ होता है, मेंटल फिजिकल इमोशनल ग्रोथ होता है, दैट इज़ इररिप्लेसेबल। पीयर्स और जो टीचर्स के साथ भी वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ इररिप्लेसेबल। सो जो ई लर्निंग है इज़ आउट ऑफ रीच फॉर मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो, फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, देन डिजिटल डिवाइड है, कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन, तो इससे ये वेज बढ़ता जा रहा है, तो वी नीड टू सी दिस। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्क्रीन टाइम। आई एम टेलिंग यू, आई कीप ऑन टेलिंग दिस अगेन अगेन, कि आप अगर दिन भर केवल वीडियोज ही देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल के, आपका रिटेंशन बहुत कम होगा एंड दिस वुड क्रिएट सर्टेन सेवरल अदर साइड इफेक्ट्स एज वेल। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। दैट इज़ वाई इन से 35-40 मिनट्स आई ट्राई टू पास ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, MCQ, करंट अफेयर, एवरीथिंग, बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। किंडरगार्टन स्कूल में हम छोटे छोटे बच्चों को दिस डिजिटल एजुकेशन की तरफ डाल रहे हैं, इतना जल्दी एक्सपोजर भी इज़ नॉट गुड, दिस एक्सपोजर इज़ नॉट गुड, बिकॉज अभी मेंटल एंड दिस ग्रोथ इज़ येट टू कम, और दिस अर्ली एक्सपोजर इज़ नॉट गुड। इसमें जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चेज हैं, फाइंडिंग्स हैं, दे ऑल टेल द सेम थिंग कि छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए हमें। सो दिस दीज आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखा है। सो कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम्स? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड वी शुड नॉट गो फॉर दिस। देन यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज़ अमिड्स पैंडेमिक। पैंडेमिक के साथ साथ यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ की भी बात है। ट्विटर में अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत अच्छा ये इन्फोग्राफिक दिया है, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, स्टैंड अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, से नो टू ड्रग्स। इसके लिए ये हमारी अगेन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वल्नरेबल हो जाते हैं अभी अभी ट्रैफिकिंग और इलिसिट ड्रग्स का भी ये काफ़ी इशू है यहाँ पे। सो दिस इज़ ड्रग अब्यूज़ अमिड्स पैंडेमिक। देन ये पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8 न्यूज़। दिस इज़ पेज नंबर 9, इट्स वेट एंड वॉच ऑन डिस एंगेजमेंट, बट हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। चाइना का ये PLA थ्रेटन कर रहा है बार बार हमें, इंडियाज़ पोजिशन अब दौलत बेग ओल्डी में भी, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और ये जो इसकी बुलिंग हो रही है इससे वी नीड टू स्टैंड फर्मली। देन यहाँ पे इंडिया ने मीनवाइल रीट्रेट किया है कल्चरल लिंकेजेस विद नेपाल। सी, नेपाल इज़ नॉट चाइना, नेपाल के साथ हमारे फैमिली टाइज भी हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। इंडिया रीट्रेट्स कल्चरल लिंकेजेस विद नेपाल, स्ट्रॉन्ग नेपाल के साथ गुड फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ये नेक्स्ट है पेज नंबर 10, पंचायत्स टू गेट दिस 10 लाख करोड़ टिल 2026। इंडिया में क्या है, सेंटर है, स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, फिर यहाँ इनके थर्ड टीयर में आता है पंचायती राज। इससे रिलेटेड आर्टिकल बताइए, कौन सा आर्टिकल पंचायती राज की बात करता है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पंचायत जो हैं ये अभी 10 लाख करोड़ का इन्हें यहाँ पे फंडिंग की बात है टिल 2026। इससे क्या होगा, पंचायत लेवल पे वर्क इंक्रीज होगा, इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा, राइज इन अलोकेशन फ्रॉम फाइनेंस कमीशन। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की बातें हो रही हैं। 73rd अमेंडमेंट जो था, इससे पहले बहुत सारी कमेटी आई, बलवंत राय मेहता कमेटी एंड ऑल, इन्होंने यहाँ पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविज़न हो गए कि पंचायत कैसी होंगी, उनका मैंडेट क्या होगा, क्या उनके वॉलंटरी फीचर्स होंगे एंड ऑल। 73rd अमेंडमेंट में इनको जो फंड्स मिलता है पंचायत को, ये तीन तरीके से मिलता है। एक तो ये CFC, दिस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन,
फिर लोकल बॉडी ग्रांट्स के थ्रू देती है, जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन से बात है, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से इनको पैसे मिलते हैं अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट पे भी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वो भी अलोकेशन ऑफ फंड करती है, और कुछ जगह इन्हें टैक्सेशन एंड ऑल के भी राइट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से पंचायत को पैसे मिलते हैं ताकि वो लोकल लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे यहाँ डिफरेंट वर्क कर सके। तो यहाँ न्यूज़ है कि पंचायत को 10 लाख करोड़ का यहाँ पे फंडिंग का बात है एलोकेशन फ्रॉम दिस फाइनेंस कमीशन। इस रूट से, पहले रूट से ये आ रहा है। देन दिस इज़ पेज नंबर 10। यहाँ पे FATF की रिपोर्ट है। FATF यूजुअली हम समझते हैं केवल टेररिज्म एंड ऑल के लिए है। FATF बेसिकली होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। FATF ने रिपोर्ट किया है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इससे बहुत ज़्यादा इलीगल डीलिंग हो रही है, $23 बिलियन, इतना बड़े अमाउंट का एक साल में। लिंक्स टू आर्म ट्रेड एंड स्लेवरी भी है, और ट्रैफिक जो बॉडी है दिस ट्रेड एंड ऑल को जो देखती है, ये भी इसने इस बात को हाईलाइट किया है। मीनवाइल FATF के ट्विटर हैंडल ने ये बात किया है कि जो इलिसिट मनी है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से हुआ, ये एक $multi-billion क्रिमिनल एक्टिविटी बन गया है। यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है इसको डिसमेंटल करने के लिए। ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ये प्रॉब्लम फॉर कंट्री है। वाइल्ड लाइफ इज़ इलीगली पोचिंग होती है, ट्रांजिट होता है और उन्हें सोल्ड करता है, जैसे अभी हमने मकाओ का देखा था और पैरट्स भी देखे थे। ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ अगेन अ बिग मेनेस। और ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट ओजोन पॉल्यूशन सीज अ स्पाइक। ओजोन हमारे यहाँ एक थोड़ा कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में, आप बताइए किस लेयर में ओजोन होती है। ये जो ओजोन होती है ये जो यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं उससे स्टॉप करने में हमें हेल्प करती है। यूवी रेडिएशंस एंड ऑल से स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ओजोन का अगर डाइल्यूशन हो रहा है, ओजोन होल्स बन गए थे साउथ में, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट डेंजर में आता है। ओजोन पॉल्यूशन सीज अ स्पाइक। सनी वेदर प्रॉब्लम होती है, अक्सर हम देखते हैं विंटर पॉल्यूशन में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, ऐसा सनी वेदर प्रॉब्लम भी होता है, इसको हम समर पॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओजोन हाईली रिएक्टिव गैस होता है। ओजोन जो होता है ये डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एमिटेड बाय एनी सोर्स होता है, बट ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है नॉक्स में और दूसरे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओजोन ऐसे नेसेंट फॉर्म होती है। ये जो पूरा होता है ओजोन, दैट इज़ अगेन वेरी दिस ओजोन डिप्लीशन इज़ नॉट राइट, बिकॉज इससे यूवी रेडिएशन एंड ऑल यहाँ पे अर्थ के सर्फेस में आएंगे एंड दैट वुड बी डिजास्टरस फॉर अस। इससे रिलेटेड एक प्रोटोकॉल भी है, टेल मी द नेम ऑफ दैट प्रोटोकॉल एंड जो वर्क हमने किया है ओजोन की रिकवरी के लिए। देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। यहाँ पे बात है मानसून नर्चर जिंजरबर्ग। देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। रिसर्जेंस ऑफ वायरस, यूरोप में फिर से वायरस आ रहा है। गूगल टू पे फॉर न्यूज़ कंटेंट, ये फाइनली गूगल को पे करना पड़ रहा है। वी हैव कवर्ड दिस इन ग्रेट डिटेल अ कपल ऑफ डेज बैक। देन यहाँ पे बात है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट ड्यूरिंग पैंडेमिक, बिकॉज पैंडेमिक में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अपने पास ले लेती है और उससे जो डेमोक्रेटिक पावर है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो थ्रेटन हो रहे हैं। बिजनेस न्यूज़ में यहाँ पे है शुगर केन के बारे में। शुगर केन, ये शुगर केन होता है, टोटल शुगर केन जो एक्रीएज है ये 8% हाई है नेक्स्ट सीजन कंपेयर्ड विद द करेंट सीजन। सो दीज आर स्वीट टाइडिंग्स। शुगर केन का प्रोडक्शन भी इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 305 लाख टन है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप बताओ शुगर केन इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुगर केन में इंडिया की रैंकिंग क्या है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में, ये दोनों अलग चीज़ होती है। कई बार हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं बट हम उसका कंजम्पशन भी कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारा रिलेटिवली ज़्यादा नहीं होता है। तो इंडिया की रैंकिंग इन प्रोडक्शन एंड देन एक्सपोर्ट, और इसमें ब्राज़ील का भी आप रैंक बताना। देन ये आज के क्विज़ हैं। आज अगेन हम इंडियन ज्योग्राफी के क्विज़ देखते हैं, 6 in number। पहला आर्किपेलाजो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल डेफिनेशन ऑफ दिस आर्किपेलाजो। ये क्या होता है, सर्कुलर कोरल रीफ है, एनक्लोजेज अ शैलो लगून, क्या ये है। चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, क्या ये है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ एंड नन ऑफ द अबव, विच इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ अबाउट श्रीनगर टू लेह। अगर अपन श्रीनगर से लेह जाते हैं तो कौन सा पास पड़ता है, माना, रोहतास, नाथुला या जोजिला, टेल द राइट आंसर। देन द थर्ड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म्स रिलेटेड हैं नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। ये हम अक्सर देखते हैं ना श्रीलंका, और इधर हम इसको अभी पढ़ा था NCERT ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वाटरवे है, ये दो इसको कनेक्ट कर रहा है वाटर बॉडी को, तो इस वाटरवे को क्या बोलेंगे, कि यहाँ एक ओशन है, यहाँ एक ओशन है और एक पानी का बॉडी इन दोनों को कनेक्ट किया है।
ये पेनिनसुला कहलाता है, गल्फ है, स्ट्रेट है या आइलैंड है? टेल द राइट वन। नाउ ये है अबाउट रिफ्ट वैली। हमने ड्रेनेज चैप्टर जो है उसमें सारी इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। इनमें कौन सी रिवर्स हैं जो एक रिफ्ट वैली में ऐसे हो गई हैं और टूवर्ड्स ये यहाँ पे जा रही हैं? सोन, यमुना, नर्मदा या लूनी। देन फिफ्थ इज करेवा फॉर्मेशन। दीज आर स्पेशलिटी ऑफ दिस, हमने कश्मीर में देखा था। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल, ईस्टर्न हिमालय, कश्मीर हिमालय। ओके, सो अज्यूम इट आई हैव नॉट सेट दिस, सो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस डोमिनेटेड बाय दिस डोडा बेटा पीक? डोडा बेटा पीक कहाँ पर है? नीलगिरी, अन्नाईमली, कार्डामोम एंड दिस नल्ला मल्ला हिल। तो ट्राई टू सॉल्व दीज सिक्स क्वेश्चन, डोडा बेटा पीक, करेवा फॉर्मेशन, रिफ्ट वैली, ये क्या कहलाता है वाटर जो दो बड़ी बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वाटर बॉडीज़ को, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, देन ये कौन सा पास पड़ेगा श्रीनगर से लेह में, और ये आर्किपेलागो की क्या डेफिनेशन होती है? दीज आर सिक्स क्वेश्चंस। ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट दिस बिजनेस। आज हमने पढ़ा शुगर केन के बारे में, रैंकिंग प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में इंडिया का और ब्राज़ील भी बताइए, रिसर्जेंस ऑफ वायरस इन यूरोप, ओजोन पॉल्यूशन सीज अ स्पाइक, देन ये FATF की रिपोर्ट है, ये ट्विटर में इसने ट्वीट भी किया है FATF न्यूज़ ने, कि इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ दिस वाइल्ड, दिस $23 बिलियन का बिजनेस हो गया है ये। ये पंचायत्स की फंडिंग हमने देखा, नेपाल, ये ड्रग अब्यूज़ अमिड्स पैंडेमिक, ये आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, स्क्रीन टाइम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर स्टडीज एज वेल। कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम्स? नो। देन दिस इज वाई चाइना इज बींग एग्रेसिव अलॉन्ग द LSE, वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टोटैलिटी में देखें चाइना के डिफरेंट जो मूव्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ये केस स्टडी है, इसका स्क्रीन शॉट मैं अभी टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। देन दिस इज द मायोपिया ऑफ 2020 हाइंडसाइट, ये शट एंड ओपन है। कस्टोडियल डेथ, इसमें भी पुलिस को हमें ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पुलिस फॉर पीपल नॉट अगेंस्ट पीपल। देन एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए, ये जो डिजास्टर चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हैव अ लुक, और इसमें NDMA का भी आप देखना हैंडल, बहुत अच्छे इसमें न्यूज़ हैं। ये रोजगार, गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, और ये डिफरेंट टेस्ट हैं COVID-19 रिलेटेड, ये CBSE ने एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, होने वाले हैं, चाइनीज़ बिल्डअप है, और ये है वोकैबुलरी। सो दिस इज़ 26th of June 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ़।